हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चे, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आजकल तो हमारे सिरसा के अंदर भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो जिसके चलते हमें एहतियात रखना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो बच्चे, अब हम बात करते हैं अपने एकेडमिक की। मैंने आपको जो चैप्टर रीड करवाया है, साथी हाथ बढ़ाना, वसंत का चैप्टर 7। मैंने इसमें आपको पहले पोएम पूरी समझा दी थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी, देन उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले पोएम का फर्स्ट एंट्री है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कहने का अर्थ है कि एक अगर काम करता है तो वो थक जाता है, लेकिन अगर हम उसी काम को मिलकर करते हैं, पांच छह जने मिलकर करेंगे, तो हम थकेंगे नहीं और वो काम भी बहुत इजीली और जल्दी हो जाएगा। तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, मिलकर उस काम को करें ताकि वो आसानी से हो जाए। हम मेहनत में मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। मेहनत करने वालों की बात की गई है कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जब वो मिलकर काम करते हैं तो 100% उनको सक्सेस मिलती है। जब भी उन्होंने मिलकर कदम बढ़ाया है, उन्होंने सफलता ही पाई है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, ये कहने की बातें होती है कि सागर ने रास्ता छोड़ा। कहने का मतलब ये होता है कि उनको सफलता मिली। सागर रास्ता नहीं छोड़ता है, ना ही पर्वत सिर झुकाते हैं। अर्थ इसका ये होता है कि उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई और उनको सफलता मिली। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कहने का अर्थ यहाँ है कि हम इतने मजबूत हैं, हमने जो हमारी बाहें हैं वो इतनी फौलादी हैं कि हम उससे कुछ भी काम कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि हर चीज संभव है, हम हर काम कर सकते हैं। किसी भी काम को हम ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे काम को देख के ऐसे आलस करना शुरू कर देते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, नो मैम कैसे करेंगे, नो मम्मा नहीं होता मेरे से, लेकिन ये सिर्फ उनके बहाने होते हैं। अगर हम उस काम को मिलकर जुट कर लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम ऐसा हो जो हम नहीं कर पाए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर थी आज अपनी खातिर करना। मेहनत अपने लेख की रेखा, अपने हाथों की रेखाओं के अंदर मेहनत अगर लिखी है और अगर हम मेहनत करते हैं तो इस मेहनत से डरने का क्या, हमें इस मेहनत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वही सफलता पाते हैं। अगर हमने आज अपने लिए मेहनत की है तो कल हमें दूसरों की खातिर अगर मेहनत करनी पड़े तो उसके लिए भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आगे ही बढ़ते जाए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। अपना दुख भी एक है साथी, अगर हम दुख में हैं तो सारे साथी अगर मिलकर उस काम को कर रहे हैं, कुछ उसमें गड़बड़ी हो गई है या वो हमें कुछ सफलता नहीं दे पा रहा है, तो उसमें हम सारे मिलकर एक हैं, तो उसमें हमें ज्यादा दुख नहीं होता। कोई बात नहीं, हम दोबारा से फिर इस काम को कर लेंगे और उसमें हम 100% सफलता पाएंगे। अपना सुख भी एक साथी, अपना सुख भी एक है, अगर हमने मेहनत की है और हमें उस काम में सफलता मिली है तो उसके लिए हम सबको सलाम है, हम सारे मिलकर हमने सफलता प्राप्त की है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। नेक्स्ट इसका जो लास्ट स्टैंजा है बच्चे, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। पानी की बूंद की बात की गई है, कतरा, कि अगर एक एक बूंद हम मिलाएं तो दरिया बन जाता है, समुद्र बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सिगरा। यहाँ जर्रा किसको बोला गया है, फूलों को, तो सिगरा क्या, हार बन जाता है। अगर हम एक एक फूल जोड़कर बनाएंगे तो वो हार बन जाएगा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई यहाँ मिट्टी के कण को बोला गया है, कि अगर हम मिट्टी के कण को भी जोड़ें, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके जोड़ेंगे तो एक पर्वत का रूप ले लेती है। इसी तरीके से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना,
साहिर लुधियानवी की ये कविता में उसने बोला है कि अगर इंसान एक से एक और एक मिलकर 11 होते हैं, एक और एक मिलकर 2 नहीं होते, क्योंकि उनकी मेहनत डबल हो जाती है और वो डबल मेहनत से 100% सफलता पाते हैं। अगर इंसान मिलकर ऐसे काम करें तो वो अपनी किस्मत ही बदल लेंगे। साहिर लुधियानवी ने ये बहुत अच्छी पोइम लिखी है, इसके ऊपर गाना भी है नया दौर मूवी का, साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया है, चलो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सिक्स्थ का चैप्टर 7 जो कि एक पोयम है साथी हाथ बढ़ाना, उसके प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत है जो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ये शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से है, साथी मित्र या साथ रहने वाला, मिलकर बोझ उठाना एक दूसरे की मदद करना, हाथ बढ़ाना सहायता करना, मेहनत वाला परिश्रम करने वाला, पर्वत पर्वत शीश झुकाना स्वागत करना, फौलादी मजबूत या लोहे के बने, सीने छाती राहें रास्ता चट्टानों भारी एवं बड़ा कठोर पत्थर, लेख की रेखा भाग्य की रेखा, मंजिल उद्देश्य नेक अच्छा, कतरा बूंद दरिया नदी जर्रा कण, सहरा फूलों की माला, इंसान मनुष्य। इसके क्वेश्चन आंसर जो कि गीत से कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, इस गीत को कि किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर, इस गीत को निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है, अकेले व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें और उसकी सहायता करें या समूह में काम करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है वे पर्वतों को लांग गए हैं और सागर में भी उन्होंने उसे पार कर दिया है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जा सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, इसका अर्थ है कि एक से एक मिलने पर एक एक बूंद जब मिलती है तो दरिया यानी नदी का निर्माण हो जाता है, और एक से एक मिले तो जर्रा यानी जर्रा तो वैसे एक छोटा सा कण या छोटा सा उसका समूह को कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सहरा का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो ये हमारे फूलों से संबंधित है, तो एक एक फूल मिलने पर सहरे का निर्माण हो जाता है। एक से एक मिले तो राई, राई जो हम सरसों का दाना होता है उसको कहते हैं, करे राई के समान भी अगर छोटा सा दाना मिलने कर निर्माण करना शुरू करे तो उससे इतना बहुत बड़ा पर्वत भी तैयार हो जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, और जब एक से एक मिलकर इतना सारे कार्य कर लेता है प्रकृति नेचर, तो जब इंसान मिलकर कार्य करेगा तो किस्मत को भी बस में कर सकता है। इसलिए साथी हाथ बढ़ाकर ही सभी कार्य को करें जिससे कि सारे कार्य सफलता से हो सके। अब प्रश्न नंबर 2, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, साहिर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। परिश्रमी या मेहनती लोगों ने सागरों में भी रास्ता बनाया है तथा पर्वतों पर विजय प्राप्त की है। प्रश्न नंबर 3, गीतों में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे इरादों की मजबूती का पता चलता है, और बाहों को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि इससे असीम कार्य क्षमता यानी काम करने की शक्ति का पता चलता है। प्रश्न है आपका गीत से आगे का पहला, अपने आसपास तुम किसी साथी मानते हो और क्यों?
इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। उत्तर, अपने आसपास हम अपने मित्रों को साथी मानते हैं क्योंकि वे हर घड़ी में हमारा साथ देते हैं। मिलजुल कर शब्द इसके कौन से मिलते जुलते, साथी, मित्र, दोस्त, सहयोगी, सहपाठी, हितैषी, शुभचिंतक, संगी, सहचर, मीत और सहायक। प्रश्न नंबर दो, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और क्यों? मतलब ये जो आपकी लाइन दे रखी है, ये अर्थ आपको कहाँ तक आपकी जो रियलिटी है, जो आपका आपसे मिलती जुलती है, इसके बारे में पूछा है। तो उत्तर क्या है? कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इस मामले में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसे रोज़मर्रा की मुश्किलों से हमारा सामना होता है तो हमें लगता है कि जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे नंबर या अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। प्रश्न नंबर तीन, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन के स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों की में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोगी और संगठन की शक्ति बतानी हो तब यह गीत अधिक महत्व रखता है। प्रश्न नंबर चार, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना, ये लाइन दे रखी है और तीन क ख ग इसमें क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे रखी है जो कि आपको उसका आंसर देना है। तो का आंसर है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो उत्तर, अपने घर में छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ख है, पापा के काम और माँ के काम में काम क्या क्या है? पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक ओर पापा कार्यालय जाते हैं और माँ के लिए बाहरी आवश्यक कामों का ध्यान रखते हैं, वही माँ घर की सफाई करने, खाना बनाने, कपड़े धोने और हम सबको पढ़ाना, खरीदारी करने और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। प्रश्न नंबर ग, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो हाँ, वे एक इस काम से एक दूसरे का हाथ इन कामों में एक दूसरे का हाथ बताते हैं। प्रश्न नंबर पाँच, यदि तुम नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म की कहानी के किस मोड़ पर आया है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का कराने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत गाया आया है। यह गीत उनके सहयोग और उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है।